Onde valigi? Ora si paga il pane. में खुलासा करने के लिए जो टीम काम कर रही है उसने और एक बेहतरीन सराहनीय काम करते हुए गत दिनों में जो सांपाड़ा थाना बिशनगढ़ और आलाशन थाना बिशनगढ़ और शायला में बोलेरो गाड़ी की चोरी और जो ज्वेलरी की दुकान थी उनको तोड़ के गई चोरी का पर्दाफाश आज किया जा रहा है। जैसा कि आपको जानकारी है कि दिनांक 4 की रात को और उससे पहले 15 दिन पहले कल भी आप लोगों ने पेपर में छापा था एक बोलेरो गाड़ी चोरी हुई अभी तक नहीं मिली। उनके लिए टीम जो हमारे एडिशनल एसपी साहब रामेश्वर जी गौतम जी और SHO विष्णुगढ़ पन्नालाल जी उनकी पूरी टीम और जो DSP की टीम साथ में जो हमारा टेक्निकल टीम इन सभी टीमों ने इन घटना स्थल का विजिट किया। मेरे द्वारा भी जो सांपाड़ा का विजिट किया गया तो ये ध्यान में आया कि जो आज जब चोरी की वारदात की वो पहले रेकी की है और रेकी करने के बाद में उन्होंने ऐसी जगह जहाँ पर रात्रि के समय में अंधेरा रहता है वहाँ पर उन जगह को चुना है। तो सांपाड़ा में जो चोरी हुई उसमें जो घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद में समस्त उच्चाधिकारियों ने को कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले जिसके ऊपर SHO पन्नालाल की टीम ने इन्होंने बेहतरीन काम करते हुए पूरी टीम ने इन तीन मुलजिमान को दस्तयाब किया और दो गाड़ियां इनसे बरामद की गई। एक बोलेरो गाड़ी जो कि इन्होंने चोरी करने के लिए सायला से चुराई थी और दूसरी गाड़ी जिसके बारे में भी जानकारी की जा रही है एक सापाड़ा में ज्वेलरी का शोरूम तोड़ा और एक आलाशन में ज्वेलरी का शोरूम तोड़ा। उसमें जो चोरी का माल था ये सस्ते दामों पे चोरी का माल मोहनलाल पुत्र मग्गा जी जाति सोनी निवासी कांकरिया का वास जालोर को ये बेचते थे वो सस्ते दामों में इनसे लेता था उसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया है। तथा अभी एक बोलेरो गाड़ी जो चोरी की हुई है वो बरामद की गई है तथा चोरी का जो माल है उसको भी बरामद किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए जो हमें महत्वपूर्ण सुराग मिले तथा CCTV कैमरों में कुछ हमें फुटेज मिले उस हल्के फुटेज के आधार पे उन लोगों ने उसका पीछा किया और पीछा करने के बाद में ट्रैकिंग की भी। ट्रैकिंग से ये सामने आया कि ये लोग पहले जो रेकी की उस दिन का हमारे पास फुटेज आया। रेकी करने की पीछे कई दिनों तक के CCTV फुटेज करीब 100 के लगभग CCTV फुटेज पूरी टीम ने खंगाले तो लगातार फुटेज को देखते हुए इन लोगों ने आगे बढ़े तो इन तीन लोगों को आइडेंटिफाई एक प्रवीण कुमार है एक सज्जन कुमार है और तीसरा धंडाराम है। ये तीनों ही जालौर के रहने वाले हैं और इनके खिलाफ पुराने क्या केस है उनके बारे में भी जानकारी की जा रही है। अभी तक अलग अलग CCTV फुटेज के आधार पर इनका इनको ट्रैक किया गया और उसके आधार पर इनको आगे किया गया। तो मेल है कि जहाँ भी जिनके प्रतिष्ठान हैं वहाँ आसपास रोड को देखते हुए CCTV फुटेज लगाएंगे तो उन लोगों की जान और लोगों की जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा करने में और हम बेहतरीन काम करेंगे और ये भी लिखें गांव के बाहर कि आप CCTV की नज़र में हैं आप कैमरे की नज़र में हैं। उस गाँव में चोरी करने से पहले चोर कई बार सोचेगा और मैं पूरी टीम को हमारे बधाई देता हूँ कि इन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करते हुए करीब और 3 वारदातों में हमने गाड़ी और कुछ सामान जो अभी बरामद कर रहे हैं और जो जिसको बेचा है उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है।